हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। इफ द एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 का सिमिलर है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई देने लगेगा कि हमें इसके आगे करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहले बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका दो साइड जो कि 90 डिग्री बना रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है कि किसको हम x लेंगे, दोनों में से किसी को हम x, इसको भी x ले सकते हैं और इसको x प्लस 2 कर दें, या फिर x माइनस 2 कर दें, या फिर अगर इसको x ले रहे हैं तो इसको x प्लस 2 भी कर सकते हैं, x माइनस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंतर अंतर दो का है, तो दो का अंतर होने से क्या मतलब है कि वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो उससे दो कम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज पहले गिवेन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवेन क्या है, एरिया पहले लिख लेते हैं। एरिया गिवेन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है, एंड डिफरेंस बिटवीन साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चीज गिवन है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर x होगा, तो दूसरा वाला जो बेस है वो क्या होगा, x प्लस 2। तो हम यहां से लिखेंगे, लेट द परपेंडिकुलर बी x एंड बेस बी एक्स प्लस 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि देखिए, अब हमको कोई भी फॉर्मूला चूज करना होता है तो हम ये देखते हैं कि हमको क्या क्या गिवेन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, ऐसा हमको एरिया का फॉर्मूला चूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड होता है, वो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया गिवन है तो हम यहां लिख देंगे 24 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। बेस की जगह पर हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब इसको आगे हम यहां सॉल्व करते हैं, ये 2 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 48। ये हो गया 48 इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए, x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो हमको इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 48 x² के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहां माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम एक ही तरीका है, 8 ले ले और 6 ले ले, ठीक है, यानी कि 8x और 6x। अब यहां पर ये सोचना है कि माइनस किसको और किसको प्लस लेंगे, तो ये जो ऐड करने पे क्या वैल्यू आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो यानी कि बड़ा वाला वैल्यू को हमको प्लस में लेना है और छोटे वाले वैल्यू को माइनस में लेना है, ठीक है। तो एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट इसका माइनस 48 x² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां हम कर देते हैं माइनस 6x प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहां से हम ले लेते हैं x कॉमन, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 6 और यहां से हम कॉमन लेते हैं 8, तो यहां भी बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और यहां हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इधर क्लीन करके आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं।
चलिए उसको जब हम यहां आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि दो चीज का प्रोडक्ट करने पे जीरो के बराबर आ रहा है, यानी कि बारी बारी दोनों भी जीरो हो जाए फिर भी हमारा दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी कि एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो अगर होता है तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, माइनस एट आएगा। और यहां पर लेते हैं एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सिक्स आएगा। ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो लेंथ के लिए कर रहे हैं, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आया, सिक्स, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया, छह सेंटीमीटर। और बेस कितना है, उससे दो ज्यादा है, इसलिए छह प्लस दो यानी कि ये हो जाएगा आठ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां आप लिख देते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि यहां हाइट भी कह सकते हैं, सिक्स सेंटीमीटर हो गया। और जो बेस है, बेस कितना है, एक्स प्लस टू यानी कि सिक्स प्लस टू, ये हो गया एट सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस का मेजरमेंट मालूम होना जरूरी है। अब हाइपोटेनस का मेजरमेंट निकालने के लिए यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट, ठीक है, बेस के जगह पर कितना है, एट स्क्वायर, अब प्लस परपेंडिकुलर है सिक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम करेंगे, एट का स्क्वायर कितना होता है, 64, और सिक्स का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100, और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, तो यानी कि ये भी हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, अब निकालना है पेरीमीटर, तो आसान हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स के सम कर देंगे, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10, कितना हो जाएगा, ये हो 14 प्लस 10 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पिछला वाला क्वेश्चन अगर अच्छे सॉल्व किए होंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन एक सॉल्व करने से काम नहीं होता है, इस तरह क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं बार बार आप सॉल्व करिएगा तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।